वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेआर क्लासेस। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 1 सीजी बोर्ड क्लास 7 मैथ्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले साइन के बारे में देखेंगे। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन से, ओके? तो हम साइन से देखेंगे, साइन के बारे में देखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में साइन क्या होता है, डिविजन में साइन क्या आता है, ठीक है? चलो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ 2 + 3, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है? ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है? दोनों पॉजिटिव है तो 2 + 3 क्या आएगा, 5 आएगा। दोनों पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम पॉजिटिव कभी लिखते नहीं है, डायरेक्टली 5 ही लिख देते हैं, ठीक है? चलो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा 2 - 3, थर्ड एग्जांपल मैंने लिखा -2 + 3 एंड फोर्थ एग्जांपल मैंने लिखा -2 - 3। क्या क्या आंसर होगा इसका सोचो जरा जल्दी से फटाफट, ठीक है? चलो अब क्या होगा, दोनों प्लस में है तो एडिशन होगा और साइन आएगा प्लस का, ठीक है? अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है, अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, 3 - 2 गया कितना आएगा, 1। सब्ट्रैक्शन होगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, और साइन किसका आएगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। कौन बड़ा है यहाँ पे, 3, तो 3 में साइन है निगेटिव, ठीक है? अगेन यहाँ पे एक निगेटिव और एक पॉजिटिव तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 3 - 2 कितना हो गया, 1, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है, 3, तो 3 का साइन आएगा प्लस 1, ठीक है? चलो अगर दोनों निगेटिव है, -2 और -3 दोनों निगेटिव है तो क्या होगा, एडिशन होगा, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, और साइन किसका आएगा, निगेटिव का। यहां तक ठीक है, समझ में आ गया? एक बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर मैंने लिया 2 × 3, अगर मैंने लिया 2 × -3, अगर मैंने लिया -2 × 3, और मैंने अगर लिया -2 × -3, चलो क्या क्या होगा आंसर, नंबर तो सबके सेम आएंगे, 2 × 3 = 6, यहाँ पे भी 2 × 3 = 6, 6, 6, बट साइन में डिफरेंट होगा, ठीक है? पॉजिटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव, निगेटिव, मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है? निगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है? चलो डिविजन में हम देख लेते हैं, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा 4 / 2, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है? क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आया, 2/1, ठीक है? अगर मैंने लिखा -4/2 तो क्या आएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या आएगा आंसर, निगेटिव आएगा, ठीक है? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = कितना आया, -2 आंसर, ठीक है? अगर है 4 / -2, ठीक है, तो क्या होगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, अगेन क्या आएगा, -2, ठीक है? अगर न्यूमरेटर में निगेटिव साइन हो या डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन हो, आंसर में निगेटिव आएगा। अगर आपके पास है -4/-2, दोनों में निगेटिव साइन है डिविजन में, तो दोनों निगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = कितना आएगा आपका, 2, ठीक है? तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, इस तरह से आप साइन का ध्यान रखोगे, आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे ये साइन हमेशा यूज होगा, ठीक है? तो हमेशा लोग अगर 10th क्लास में पहुंच जाते हैं तो इसी चीज में गलतियां करते हैं, तो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे इसको, ठीक है? तो प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 7 के मैथ्स में इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर 1 नंबर रिवीजन का, ठीक है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1। चैप्टर 1 में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है? तो अच्छे डिटेल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द, हियर यू हैव 3 सिंबल्स, ठीक है? 3 सिंबल्स है यहाँ पे। ये तो साइन आपको पता ही होगा, इक्वल दिया हुआ है, ये पता ही होगा, राइट? ये दोनों साइन में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा साइन ग्रेटर का है, कौन सा साइन लेस देन का है, ठीक है? तो देखो हम छोटा कैसे लिखते हैं, छतरी का छ कैसे बनाते हैं, छोटा ऐसे लिखते हैं ना, छ ऐसे मुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये वाला साइन क्या होगा, ये वाला होगा लेस देन का, क्लियर और नॉट? तो एक समझ में आ गया लेस देन, तो दूसरा क्या होगा, ग्रेटर देन, ठीक है? चलो 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, -2 × 9 ब्लैंक -3 × 9, चलो क्या होगा भाई, 9 × 2 = पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो, 9 × 2 = 18, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव, ठीक है? 3 × 9 = 27, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव, निगेटिव। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, -18 बड़ा है कि -27 बड़ा है? जब भी हम निगेटिव नंबर की बात करेंगे तो छोटा नंबर बड़ा होगा, अगर यहाँ पे साइन नहीं लगा होता, यहाँ पे साइन नहीं लगा होता तो 27 बड़ा होता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे साइन लग चुका है,
विच मीन्स कौन बड़ा है, माइनस 18 बड़ा है, किससे बड़ा है, माइनस 27 से. तो अभी किसका साइन आएगा, ग्रेटर देन का. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन का, पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लो फिर साइन का. ठीक है, 5 3 15 15 2 30. ठीक है, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया ब्लैंक. 5 6 30, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव निगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे आया प्लस 30, यहाँ पे आया माइनस 30, बताओ कौन बड़ा होगा. ऑब्वियसली जो प्लस 30 है वो क्या होगा, आपका बड़ा होगा. तो क्या आएगा, प्लस 30 ग्रेटर देन माइनस 30. ठीक है, चलो थर्ड वन, 9 4 9 4 होगा आपका 36, यहाँ पे ब्लैंक लगा दो. 9 2 18 18 2 36. ठीक है, अब साइन का मल्टीप्लाई कर लो, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव क्या आएगा आपका, पॉजिटिव. तो 36 और 36 क्या है आपके, इक्वल है. ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल. ठीक है यहाँ तक, चलो नेक्स्ट वन. अब हमेशा याद रखना, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा और आपका जीरो होगा कहीं पे, ठीक है, तो आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर ले लो, उसका मल्टीप्लाई आप जीरो से करोगे तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा. ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक. 3 multiply with 4, 3 4 is 12. Negative multiply with positive, negative. ठीक है, तो कौन बड़ा होगा, जीरो बड़ा होगा कि माइनस 12 बड़ा होगा, obviously जीरो बड़ा होगा, जीरो इज ग्रेटर देन माइनस 12. ठीक है, चलो लास्ट वन, फिर से मल्टीप्लाई करो. 5 6 30, 32 60. निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव पॉजिटिव. चलो इधर देखो, 5 8 40, 42 80. निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव पॉजिटिव, कौन बड़ा है, 60 बड़ा है कि 80, 60 छोटा है, 60 इज लेस देन 80. ठीक है, समझ में आ गया. तो इस तरह से आप सिंबल का यूज करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने में. तो इसके लिए आपको साइन पता होना जरूरी है कि साइन क्या होता है, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव का, पॉजिटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव का. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करना है. ठीक है, यहाँ पे देखो साइन भी लगा मल्टीप्लीकेशन का. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है, लेकिन यहाँ पे साइन का भी मल्टीप्लाई है. ठीक है, सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो. 5 4 20 20 8, पहले ऐसे 1 by 1 कर लो, -8. 5 4 20. ठीक है, 20 into 8, 8 2 कितना होगा, 16, और यहाँ पे 0 तो 1 0 आ जाएगा. निगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव. ठीक है, नंबर्स का मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, साइन का आपको देखना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 0. कोई भी नंबर मल्टीप्लाई विथ 0 क्या आएगा आपका, आंसर 0. और हमेशा याद रखना, 0 निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता. यहाँ पे निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव पॉजिटिव करके 0 पॉजिटिव नहीं करोगे. ठीक है, या 0 का भी निगेटिव नहीं होगा, 0 0 होता है. ठीक है, न्यूट्रल होता है. ठीक है, चलो इधर देखो, -42 multiply with 6 3 is 18. चलो मल्टीप्लाई करो, 42 into 18 कितना आएगा, 8 2 16 6 कैरी 1, 8 4 32 + 1 33, 2 1 2 4 1 4, 6 3 2 5 4 3 7 कितना आया, 756. यहाँ पे आया आपका 756. ठीक है, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव क्या आएगा आपका, निगेटिव. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन देखो. नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका, चलो पहले छोटे नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 5 7 35, 5 और 7 का मैंने मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव क्या आया, निगेटिव. ठीक है, मल्टीप्लाई विथ -75. ठीक है, फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है 35 और 75 को. 35 multiply with 75 क्या होगा, 5 5 25 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, 5 7 35 का 5 कैरी 3, 7 3 21 + 3 24 कितना आया आपका, 5 5 5 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 4 2 6 कितना आया, 2 6 2625. ये नंबर आया. ठीक है, अब साइन की बात करें हम, यहाँ पे साइन की बात करें तो क्या होगा, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन करो मल्टीप्लाई. निगेटिव मल्टीप्लाई विथ, फिर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ,
चलो 25 और 8 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, 25 फोर जा कितना होता है, 25 फोर जा होता है आपका, 25 फोर जा होता है आपका 100, ठीक है। तो 25 एट जा कितना होगा, कर लो मल्टीप्लाई, चलो छोड़ो, 25 एट जा 8, 5 जा 40 का 0 कैरी आया 4, 8 टू जा 16 और 4 20, कितना आया 25 एट जा 200। तो यहाँ पे माइनस 30 मल्टीप्लाई विथ 25 एट जा कितना आया 200, ठीक है। और साइन क्या आएगा, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर से मल्टीप्लाई करो। अब देखो जब भी जीरो वाला नंबर होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 200 है, ठीक है। तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, नंबर और नंबर का सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को रहने देंगे। 3 2 जा कितना हो गया 6, कितने जीरो, यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, तो टोटल कितने हो गए 3 जीरो हो गए, ठीक है। यहाँ तक निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव 6000। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, 12 8 जा कितना होगा, निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव पॉजिटिव, 12 एट जा कहाँ गया, चलो पहले इसका ही मल्टीप्लाई कर लो, जिसका करना कर लो, 12 3 जा, इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, कितना होता है 12 एट जा 96, ठीक है। निगेटिव मल्टीप्लाई विथ निगेटिव पॉजिटिव, चलो इनटू मल्टीप्लाई विथ माइनस 30, ठीक है। चलो निगेटिव मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। 96 इंटू 3 कितना आएगा, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 3 जा 18, 9 3 जा 27 प्लस 1 8 28 एंड यहाँ पे आएगा 0, तो आपका आंसर क्या आया 2880, ठीक है। तो इस तरह से आपको साइन में साइन का ध्यान रख के मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन तो आसान है, लेकिन अगर साइन आप गलत लगा दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड द क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 80 डिवाइड बाई 16, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी आपका डिवीजन होगा और अगर साइन होगा, ठीक है, तो आपको साइन को हटा के डिवाइड करना है, ठीक है। साइन को लगा के आपको डिवाइड नहीं करना है, साइन को हटा के आपको डिवाइड करना है। कैसे करोगे आप, ये हो गया आपका 80, ये हो गया आपका 16, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा 16, 5 जा 80, ये हो गया कैंसल आउट, कितना आया क्वेश्चन। जब आपने डिवाइड किया, साइन आपने हटा दिया, राइट, जब आपने डिवाइड किया 80 बाई 16, तो आपका कितना आया क्वेश्चन, आपका आया क्वेश्चन 5, ठीक है। ध्यान से देखो, जो भी साइन होगा उसको हटा के आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना आपको आता है, ठीक है। डिवाइड आपने किया, साइन हटा के किया, तो क्या 18 बाई 16 कितना आया क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, कितना आया 5। बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है माइनस 80 बाई 16, तो क्या होगा, निगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, क्या आएगा निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, माइनस 18 बाई 16 का आंसर होगा माइनस 5, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, फिर अगेन साइन को रिमूव करके डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया 24, यहां हो गया 8, कितने बार में जाएगा 8 3 जा 24, ये हो गया कैंसल आउट। ये किसका आंसर है, ये आंसर है 24 डिवाइड बाय 8 का आंसर आया आपका 3, ठीक है। अगर मैं निगेटिव साइन लगा दूं, यहां पे लिख देते हैं 24 डिवाइड बाय 8 आया आपका 3, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए माइनस 24 डिवाइड बाय माइनस 8, तो क्या होगा, निगेटिव और निगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा और आपको क्या आएगा आंसर पॉजिटिव 3, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 650 डिवाइड बाय 13 कितना होगा, कितने बार में जाएगा 13, 5 जा 65 कैंसल आउट होगा, देन 0 नीचे आएगा, 13 0 जा 0, ठीक है। तो जब आप डिवाइड किए 650 डिवाइड बाय 13, तो आपका आया क्वेश्चन 50, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है 650 डिवाइड बाय माइनस 13, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 170 डिवाइड बाय 17, 17 वन जा 17 कैंसल आउट करो, 0 नीचे आएगा, 17 0 जा 0, कितना आया आपका आंसर, क्वेश्चन कितना आया 10,
जब आपने डिवाइड किया 170 बाई 17 तो आपका आया 10, बट हमको आंसर चाहिए माइनस 170 बाई माइनस 17, तो क्या होगा, निगेटिव और निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 10। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट देखते हैं। माइनस 256 डिवाइड बाय 16, तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे 256 को 16 से। ठीक है, विदाउट साइन आप डिवाइड करोगे, कितने बार हो जाएगा, 16 वन जा 16, 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, आ गया आपका रिमाइंडर, यहाँ पे आएगा 6 होगा नीचे। ठीक है, 16 6 जा आपका कितना आएगा 96, ये हो गया आपका कैंसल आउट। ठीक है, तो जब आप डिवाइड किए 256 डिवाइड बाय 16 तो आपका आया आंसर 16। ठीक है, 256 डिवाइड बाय 16 किए तो क्वेश्चन आया आपका 16, बट हमको चाहिए, हमको आंसर चाहिए माइनस 256 डिवाइड बाय 16, निगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या आएगा आपका, निगेटिव 16। ठीक है, चलो यहाँ पे है आपका 170 डिवाइड बाय 1। ठीक है, चलो 1 का टेबल पढ़ लो, 1 वन जा 1, देन 7 नीचे आएगा, 1 7 जा 7, फिर क्या आएगा आपका 0 आएगा, 1 0 जा 0। ठीक है, तो कोई भी नंबर डिवाइड बाय 1 होगा तो उसका क्वेश्चन वही नंबर आएगा। ठीक है, चलो कितना आया 170, तो जब हम डिवाइड किए 170 डिवाइड बाय 1 तो क्या आया हमारा 170। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए माइनस 170 डिवाइड बाय माइनस 1, तो क्या आएगा, निगेटिव और निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको आएगा आंसर 170। ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिवाइड बाय माइनस 18, जब आप 0 को डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो क्या आएगा आपका आंसर, 0 ही आएगा, 18 जीरो जा 0, समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, 0 डिवाइड बाय माइनस 18 करो या 18 करो, 18 भी करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 0 डिवाइड बाय माइनस 18 भी करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, 0 में कभी साइन नहीं लगता है। ठीक है, चलो 321 डिवाइड बाय 1, अगेन देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो जब भी यहाँ पे 1 होगा तो आंसर क्वेश्चन क्या आएगा, यही सेम नंबर आएगा, फिर भी मैं डिवाइड कर रही हूँ, 1 3 जा 3 कैंसल आउट हो गया, 2 नीचे आएगा, 1 2 जा 2 फिर 2 कैंसल आउट हो गया, 1 नीचे आएगा, 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ तक कितना है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन आया आपका 321, जब आप डिवाइड किए 321 डिवाइड बाय 1 तो आपका आया 321। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए 321 डिवाइड बाय माइनस 1, कितना आएगा, निगेटिव पॉजिटिव डिवाइड बाय निगेटिव, निगेटिव 321। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के 9th और 10th पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 19 डिवाइड बाय माइनस 19, फिर से डिवाइड करो विदाउट साइन, 19 डिवाइड बाय 19 क्या हुआ, 19 वन जा 19, कितना आया क्वेश्चन 1, जब आप डिवाइड किए 19 डिवाइड बाय 19 आपका क्वेश्चन आया 1, लेकिन हमको चाहिए 19 डिवाइड बाय माइनस 19। ठीक है, पॉजिटिव डिवाइड बाय निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव, समझ में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस 1। लास्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, 300 डिवाइड बाय 10, करो डिवाइड, 10 टू जा 20 कितना हुआ, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, ये क्या आएगा नीचे 0, 10 0 जा 0। ठीक है, यहाँ कैंसिल आउट ही लिख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन कितना आया, 200 डिवाइड बाय 10 कितना आया आपका क्वेश्चन 20। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए 200 डिवाइड बाय माइनस 10, निगेटिव पॉजिटिव डिवाइड बाय निगेटिव क्या होगा, निगेटिव 20। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड ग्रुप है तो प्लीज़ इस वीडियो को उधर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो को देख के हेल्प मिल सके। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करके आपको भेजूंगी। ठीक है, थैंक यू।